जजेस, तो चाय नाश्ते का टाइम हो गया है. सो आपने तो हमारी चाय ही बिगाड़ दी. बिकॉज आई फील दैट यू हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग इन द कॉम्पोजिशन एंड सिवाय एयर फ्राई करने से उसका जो हेल्थ एस्पेक्ट है वो थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है. लेकिन यू वर सपोज टू इम्प्रूव द डिश. सो फ्रॉम द इम्प्रूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देयर वॉज नथिंग. द कॉम्पोजिशन इज द सेम. तो मतलब टेक्सचर वो नहीं है. टेक्सचर वो नहीं है सारांश. इवन थोड़ा सा मेरे हिसाब से कांदा भजिया तो डेफिनेटली है, बट यू कुड हैव इनकॉर्पोरेटेड गाजर, सम मोर वेजिटेबल्स. दिस इज डेफिनेटली अ नो फ्रॉम मी. ओहो, तो चाय टाइम पे गपशप करने के लिए जजेस का मूड ठीक करना पड़ेगा वापस. नेक्स्ट डिश 30% बेटर इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन डेफिनेटली, बट सारांश टेस्ट भी संभालना. तो जो नेक्स्ट डिश मैंने पकड़ी है वो है चकली. ठीक है. तो ठीक है. नहीं, अब तो आई हैव टू इंश्योर दैट आई गो ऑन द राइट पाथ. कांट अफोर्ड अनदर फेल. तो आपके चाय टाइम पे अगला डिश आने वाला है चकली. ठीक है. ऑल द बेस्ट. पहली ही रेसिपी में शेफ हुए फेल. अब बारी दूसरी चुनौती की. चकली, ये बदनाम रेसिपी बनती है बहुत सारे मैदे से और होती है डीप फ्राइड. इसे हेल्दी बनाना होगा मुश्किल, क्योंकि इसमें होता है टेस्ट और टेक्सचर का एक परफेक्ट बैलेंस. चकली, वैसे तो आई लव चकली, बट आज जो ट्विस्टेड सा चकली जैसा चैलेंज दिया ना लोगों ने, चकली की तरफ प्यार कम होने वाला जी. चकली को 30% हेल्दियर बनाना है. चकली को हेल्दी बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 30% की मैं गारंटी नहीं लूंगा. मैंने ट्राई किया चकली को बेक करने का, फ्लॉप. एयर फ्राई में डालने का, फ्लॉप. वो टेक्सचर ही नहीं आता जी. तो फंस तो गया मैं, पर मैंने उल्टा तरीका निकाला है कि अगर डीप फ्राइंग से नहीं बचा सकता, इंग्रेडिएंट्स में तो बचा सकता हूँ. तो वैसे चकली बनती है मैदा से. मैदा और डीप फ्राई एक्सट्रीमली अनहेल्दी है जी. मैं बनाऊँगा चकली भाजनी से. घबराइए मत, बॉम्ब नहीं फेंक रहा हूँ आपके ऊपर. बहुत ही सिंपल सा नाम है, भाजनी. अब इस फ्लावर में क्या क्या जाता है बात करेंगे. फ्लावर को बाहर लेके आते हैं, भाजनी. अब इस आटे में कई हैं कई प्रकार की चीज़ें. तीन तरह की तो दाल है, उड़द, मूंग, चना. उसके बाद है सिंघाड़े का आटा और थोड़ा सा चावल. अब देख रहे हैं वेराइटी ऑफ पल्सिस दैट इज गॉन इन. इससे ज्यादा हेल्दी आटा क्या हो सकता है. और रिफाइंड फ्लावर से तो कई गुना हेल्दी है जी. मैंने तेल तो गर्म होने रखा है, कनोला ऑयल, अ लिटिल बिट हेल्दियर देन रिफाइंड ऑयल. और पानी को गर्म किया है क्योंकि आटा गूंदेगा गर्म पानी में. शेफ सारांश ने डो तो हेल्दी बनाया है, पर वो चकली को डीप फ्राई कर रहे हैं कनोला ऑयल में. जजेस को इंप्रेस करना डीप फ्राइड चकली के साथ थोड़ा मुश्किल होगा. तो जी, सबसे मुश्किल डो जो होता है ना, बाजरे का आटा. ढंग से नहीं गूंदा, गेम फिनिश. ये भी उतना आसान नहीं है, इसलिए गर्म पानी से इसको ऐसे जोड़ा जाता है, क्योंकि इस आटे में ग्लूटेन है ही नहीं. तो वरना क्या होगा, थोड़ा बहुत चावल है जिसकी वजह से ये बाइंड हो रहा है, वरना बड़ा मुश्किल है हैंडल करना. चलिए, आटा तो हो गया तैयार चकली के लिए. अब क्या करना है, चकली मेकर चाहिए. उसके बिना तो भैया जादूगर भी चकली नहीं बना सकता. तो ये है चकली मेकर, आज का हथियार. इससे बनाएंगे चकली. पहले मैं इसमें डो डालूंगा. ओ जी, चकली तैयार. देख रहे हैं आप, चकली हो गई डन. ये चक्कर वाला जो कंपटीशन था, आधा अधूरा सॉल्व किया है. मेरे ख्याल से मैंने बहुत सही अटेम्प्ट मारा है बॉस. तो लेके चलते हैं जजेस के पास. भांजड़ी की चकली एकदम तैयार है. अब हमें देखना है कि जजेस को ये आइडिया अच्छा लगा या नहीं.
फिंगर्स क्रॉस, मेहनत बहुत गई है भाई और टेस्टी उतनी ही। भाजनी के आटा वाले डीप फ्राइड चकलीज तैयार हैं। क्या शेफ जजेस को कन्विंस कर पाएंगे? सो जजेस, दोनों चकली का रंग नॉर्थ और साउथ वाला हिसाब है। ये तो ज्यादा से ज्यादा इट लुक्स इवन मोर फ्राइड देन दैट। देखने पर बट आई थिंक वी शुड ट्राई फर्स्ट। ट्राई करते हैं। कैसे बनाया है सारांश? शेफ ने पेश की है एक हेल्दी आटे वाली चकली। ये बनाने के लिए उन्होंने भाजनी फ्लावर में डाला है नमक, हींग, लाल मिर्च पाउडर, तिल, जीरा, अजवाइन और गरम पानी। शेफ ने आटा गूंथकर उसे चकली मेकर में डालकर स्पाइरल चकलीज बना ली और उसे कनोला ऑयल में डीप फ्राई किया है। अब वर्डिक्ट जजेस बताएंगे। एक्चुअली दोनों ही चकली देखने में आई डोंट नो हाउ इट वुड बी यू नो टेकन बाय द किड्स बिकॉज़ दे वुड फील कि कुछ भी काला हो तो यू नो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू एग्जैक्टली कड़वा होगा या कुछ तो, पर हेल्थ पर्सपेक्टिव से I think it seems to be quite good. Yeah, and the taste wise is perfect. I think there is no change in taste. बिल्कुल. And it seems to be an interesting dish to you know kind of pass. थोड़ा सा अगर मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा जो आटा जब बनाते हैं वो जो चकली के लिए अगर उसमें अगर थोड़ा दही डाला जाए तो it will give a nice softness to the chutney. सो टेस्ट में अच्छा है बट अगर वो थोड़ा सा दही डालते थे तो वो एक अलग सा एक जो एक पर्टिकुलर टेस्ट चाहिए इट वुड हैव काइंड ऑफ कम विद दैट। ये थोड़ा सा है ना मतलब खाने पर थोड़ा ड्राई लगता है इफ यू नो व्हाट आई मीन। बाप रे, उस रूम में गया वो चकली का रंग और मेरी चकली का रंग जमीन आसमान का फर्क है। वो मोटी मेरी पतली, दोनों अलग अलग दुनिया की दिख रही हैं। फंस ना जाऊं बॉस। यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, अभी तो और भी डेंजर जोन में जाना है आपको।